हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्श आलिया। यूं तो हम अभी इसके पहले देख रहे थे क्वाड्रेट सीरीज पर ओरिजिन, कैरेक्टर्स, एंसेस्ट्री और कुछ और टॉपिक्स, बट बीच में दो टॉपिक्स पर रिक्वेस्ट आए हैं स्टूडेंट्स के मेरे पास। पहला तो है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरीज एंड फिशरीज में वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसमें व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि जो 10 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं उनमें फिशरीज का किन साइट्स पर मिलेगा। तो 2 दिन से मैं उसमें लगी हुई हूँ, ऐसी कोई 10 लाख वैकेंसी का इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। कुछ इंफॉर्मेशन मुझे जरूर मिला है, बट इस सिलसिले में मैं वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का वीडियो नहीं डालना चाहती हूँ। आप पर्टिकुलर अगर कॉन्टेक्ट कर पाते हैं तो मैं वो साइट्स के बारे में बता दूंगी, बट वो डिफरेंट एरियाज में है। वो एक भी मुझे फिशरीज रिलेटेड नहीं मिला है। फिशरीज पर जो दो चार वैकेंसीज मिले हैं 2022 में, वो ऑलरेडी उनका अप्लाई करने का डेट एक्सपायर कर चुका है। एक फ़रवरी 22 था और एक 28 अगस्त था। अभी 22-23 के लिए प्रॉपर वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज एंड डेयरी से नहीं मिली है मुझे। जनरल एमएससी लेवल की जो रिक्वायरमेंट था, तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये भी कमेंट मुझे मिल चुका कि इनकम्प्लीट वैकेंसीज रिलेटेड वीडियोस मैं ना डालूं। तो वो तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं देखती हूँ, इन्फॉर्मेशन लेते रहने की कोशिश कर रही हूँ। सेकेंड रिक्वेस्ट आया है फॉर द क्वेश्चंस ऑन एनवायरमेंटल साइंस एज अ होल। तो जब मैं एनवायरमेंटल सीरीज कर रही थी, दिस इज फॉर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फॉर ऑल फैकल्टी, सभी साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारी फैकल्टी में सेकेंड सेमेस्टर में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, खैर एनईपी का ये नहीं है, बट इसके पहले भी जो यूजीसी गवर्न हायर एजुकेशन के सिलेबस है वो उसके हिसाब से मैंने बहुत सीरीज में बहुत सारे वीडियो डाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो एमसीक्यूज तो ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 500 क्वेश्चंस विद आंसर्स मैं दे चुकी हूँ, बट उन स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था जनरल क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं करीब यहाँ 200+ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जिनको मैं डाल रही हूँ। अब 250 क्वेश्चन विथ का आंसर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार रीड कर रही हूँ, पर्टिकुलर आपकी कोई इंक्वायरी हो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को पढ़िए और मुझे लगता है काफी कुछ इसमें कवर्ड है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है, क्योंकि आपका भी जो सिलेबस मिला था मुझे 1 महीना पहले, वो बहुत वास्ट सिलेबस है, तो मैंने यूनिट वाइज कवर करने की कोशिश की है। तो यूनिट वाइज में छोटे छोटे सब टॉपिक्स बहुत सारे नहीं हो पाए हैं। फिर इम्यूनोलॉजी का रिक्वेस्ट आ गया, इमीडिएट एग्जाम्स थे तो एनवायरमेंटल साइंस को मुझे ड्रॉप करना पड़ा। तो एनीवे, मैं पता नहीं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, पर जंप वाकई करती चली जा रही हूँ एज पर योर रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहती हूँ। तो लेट अस कम ऑन दिस टॉपिक, हम ये देखते हैं क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ और आई होप कि बहुत सारे इसमें पेपर टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो तो आप मेंशन कीजिए। 250 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो सबको रीड करना भी संभव नहीं है। मैं थोड़ी फास्ट बढ़ रही हूँ। टर्म एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड बायोडायवर्सिटी, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। दिस वी हैव डन। एक्सप्लेन मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, इस पर पूरा चैप्टर है हमारा। डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ऑलरेडी वी हैव डन। नेम ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स हेल्पफुल, ये वही हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी। दिस इज स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल स्टडीज, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी वन दैट हाउ कैन यू डिवाइड द एटमोसफेयर ऑन टेम्परेचर बेसिस, वॉट इज बायोस्फेयर, नेम इट सेगमेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। दिस टॉपिक आई डोंट थिंक कि हमारे सिलेबस में मेंशन था, तो अब अगर आपके सिलेबस में है तो ये आप खुद से थोड़ा तैयारी कर लीजिए। एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, ये अगेन वी हैव सीन, डिस्क्राइब ब्रीफली नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, दिस इज द रिपीटेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज,
एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड देयर इफेक्टिव सॉल्यूशंस, हमने इसको एनवायरमेंटल इश्यूज के हेडिंग के अंदर देखा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वी हैव डन मेजर कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन पर अलग से कोई वीडियो हम जरूर हमने नहीं देखा है, बट डिस्कशंस में हमने बहुत बार बताया कि डिफॉरेस्टेशन से कितने नुकसान हुए हैं. एक्वीफर एंड इट्स टाइप्स, किस तरह से जो पानी के जमीन और जमीन के नीचे की सतहें हैं, कैसे कैसे वो डिफरेंट सतहों पर पानी की सतह रुकती है, वो है एक्वीफर. इसके चार तरह के होते हैं. एक्वीफर के टाइप सिलेबस में मुझे दिखा नहीं था. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्राउंड वाटर यूजेस, ये हमने काफी कुछ देखा है जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग देख रहे थे. ऑफकोर्स अलग से टॉपिक नहीं देखा है. शुड वी बिल्ड बिग डैम्स, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन. उसका आंसर आपको अपने लैंग्वेज में देना है. यूजेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन मिनरल ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, जो पानी जो पोल्यूशन की वजह है काफी कुछ. वॉट इज ओवर ग्रेजिंग, ये इकोसिस्टम जब हम देख रहे थे इकोलॉजिकल पिरामिड्स में तो आया था, बट अलग से ओवर ग्रेजिंग ना आपके टॉपिक सिलेबस में मुझे दिखा, तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं. ब्रीफ अकाउंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वाटर सोलर सेल्स, ये मुझे नहीं लगता है कि आपके सिलेबस में जो हमने पढ़ाया उसमें था. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ विंड एनर्जी, कमेंट अपॉन टाइप्स ऑफ एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम ओशंस, दिस इज, ये भी मुझे नहीं लग रहा आपके सिलेबस में था. बायोमास, बायोफ्यूल एंड बायोगैस, दिस वी हैव सीन. यूज ऑफ फॉरेस्ट, वी हैव सीन. Effect of constructing dam of forest and people, ये अलग से वीडियो जरूर नहीं है. जब हम forestation के बारे में देख रहे थे, काफी सारे टॉपिक्स देखे थे तब हमने देखा इसको. Importance of water, we have seen water पे तो हम काफी तीन चार वीडियोज हैं. Watershed management है, rain water harvesting है, uses of water है, तो उसमें आपको मिलेगा. Problems due to use of modern techniques in agriculture, this is we haven't seen separately. अगर आपको चाहिए तो आप बताइए. Why soil resources are important for human welfare, methods for conserving the soil erosion, methods for conserving water resources, effects of deforestation, desertification, discuss the major uses of forests. These are the questions that you can consider for the long answers also. एंड फाइव नंबर, पांच नंबर के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इन्हीं को दो तीन क्वेश्चन को मिला करके या इवन एक एक क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी, बिग डैम्स हैव अफेक्टेड फॉरेस्ट एंड ट्राइबल्स, ये आपका प्रोजेक्ट की तरह का हो गया. ये आई थिंक आपको हम लोग जो पढ़े उससे आप आंसर तो कर सकेंगे. ब्रीफली डिस्कस ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, ये आपके सिलेबस में मुझे नहीं मिला था. वॉट आर मेजर कॉजेज ऑफ कंफ्लिक्ट्स ओवर वॉटर, ये लॉज जब हम देख रहे थे तो थोड़ा बहुत हमने देखा, इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉजेस. व्हाट डू यू मीन बाय यूट्रोफिकेशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो फूड के लेवल्स पर इफेक्ट पड़ रहा है उनका. यू मतलब ट्रू ट्रोफिकेशन के लेवल्स, हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन देखा है. यूट्रोफिकेशन अलग से जरूर नहीं देखा है. पेस्ट, पेस्ट के बारे में नहीं देखा हमने. शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये सिलेबस में आपके नहीं है. वाटर लॉगिंग, वाटर हार्वेस्टिंग में थोड़ा सा है. विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये आपको पढ़ना होगा, ये आपके सिलेबस में था. सॉयल इरोशन आपके सिलेबस में है. इंडिविजुअल कंजर्व डिफरेंट एंड नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, दिस वी हैव डीन डन. सोलर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी पर हमने थोड़ा देखा है. फॉरेस्ट रिसोर्सेज अलग से नहीं देखा है. इफेक्ट्स ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन बट वी हैव डन, जब हम सक्सेशन देख रहे थे या इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट देख रहे थे तब ये सब हमने टच तो किया है, डिटेल्स नहीं देखा है. इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड, इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी ऑन फूड रिसोर्सेज, इफेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड माइनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल, डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेशन भी हैं. वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, देन अगेन सॉइल इरोशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर लॉगिंग. व्हाट डू यू नो अबाउट इक्विटेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, दिस वी हैव डन. सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी फॉर लाइफ, ये हमने बिल्कुल डिटेल देखा है.
टर्म इकोसिस्टम, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में है। टर्म इको डिफाइन द टर्म, डिफाइन फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, दिस ऑल वी हैव डन। इकोलॉजिकल पिरामिड व्हाई इट इज ऑलवेज व्हिच टाइप इज ऑलवेज, हमने इसके बारे में भी देखा है। अपराइट्स हैं, फिर हॉरिजॉन्टली भी एक्सपांडेड वाले इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी देखे हैं हमने। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पूरा चैप्टर इस पे हमने देखा है। इकोसिस्टम्स ऑफ कोर्स हमने डिटेल नहीं देखा है। अगर आपको चाहिए, आपके पास टाइम है, तो यू हैव टू टेल मी नाउ। ट्रॉफिक लेवल्स, क्लाइमेक्स, कम्युनिटी, डिकम्पोजर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव, ये हमने बहुत डिटेल देखा है। ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिट्रिसर्स फूड चेन वी हैव डन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वी हैव डन। देन अगेन इकोसिस्टम के टाइप्स हैं इसमें, दीज आर, यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस। अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, दिस वी हैव डन। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये अलग से हमने एक एक इकोसिस्टम अभी नहीं देखा है। बट कंपैरेटिव अकाउंट कंबाइंड इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा हम देख चुके हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमने किया है। फीचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग से हमने नहीं किया है। यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स। अगर इसमें आपको कोई डिटेल्स अलग से चाहिए, तो मैं बार बार कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इकोलॉजिकल सक्सेशन वी हैव डन। डोनेशन इन ओशन, ये आपके सिलेबस में सो फार एज आई रिमेम्बर नहीं है। डिटेल्स इन फ्रेश वाटर एंड मेनी मेरीन वाटर इकोसिस्टम विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, अलग से इसका वीडियो हमने नहीं देखा है क्योंकि हमारे पास समय कम था। बट इकोसिस्टम हमने मेंशन किया है। डिफाइन बायोडायवर्सिटी, ये तो हम आपके सिलेबस में भी कर चुके हैं। एंड एज टोल्ड यू, आप प्लेलिस्ट जाइए, बायोडायवर्सिटी के बारे में काफी कुछ टॉपिक्स बहुत डिटेल में मैंने बहुत शुरू में ही किए हैं अपने क्लासेस में। जूलॉजी क्लासेस के को का प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट वी हैव, उसमें उसी में मिलेगा आपको। एनवायरमेंटल जो सीरीज है उसमें बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स के बारे में नहीं मिलेगा। सो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। अक्षर ये हॉटस्पॉट्स एंड हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, ये हमने आपके एनवायरमेंटल सीरीज में जो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बताया है उसमें ये हमने देखा है। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रायो प्रिजर्वेशन हमने नहीं देखा है। आप जस्ट आपको बता देते हैं कि जो बर्फ काफी ठंडी जगहों पे क्रायो प्रिजर्वेशन स्टेम सेल्स का पिथ बना करके सेल्स को प्रिजर्व करते हैं बहुत कोल्ड में, बहुत ही माइनस टेम्परेचर्स में, दैट मेथड इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। आपके सिलेबस में मुझे लगता नहीं है कि ये मेंशन्ड है। लोकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आ जाएंगे। सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड, ये एनवायरमेंट डे के बारे में हम सारा देख चुके हैं। देन सम कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज दैट इंडिया इज, व्हाई इंडिया इज नोन एज मेगा डायवर्सिटी नेशंस, ये हमने हॉटस्पॉट वाले चैप्टर में देखा है। बायोडायवर्सिटी एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल हमने किया है। एग्जॉटिक स्पीसीज एंडिज्म, रेड डाटा बुक, ये हमने अलग से तो नहीं किया रेड डाटा बुक, क्योंकि मेंशन आ रहे हैं आपको ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशंस एंड स्पीसीज के बारे में जब हो रहा था तब मैंने मेंशन किया हुआ है। थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी में लीड टू इट्स लॉस, बायोडायवर्सिटी लॉस एंड एक्सटेंशन के कॉजेज के बारे में थोड़ा हमने देखा है। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये आई डोंट रिमेम्बर कि हमने किया है। अगर आप उनके सिलेबस में है तो लेट मी नो, आई वी कैन डू। देन मेगा डायवर्सिटी नेशन, अगेन दिस इज वी हैव डन। वेरियस जियोग्राफिकल रीजंस, वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये सारा ज्यादा आपका बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, नेशनल पार्क्स वगैरह के बारे में। देन इंग्लिश सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, नाउ दिस ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपके अपने वीडियोज में दे चुकी हूँ। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, देन सीओडी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डिमांड, और कुछ ये 5 CFC फ्लोरोकार्बन का लेवल है, तो कुछ तो मुझे अभी याद नहीं अब ये डिटेल्स, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में और एमसीक्यूज में ये सारा डिटेल्स आपको दे चुकी हूँ।
एज आई टोल्ड, कल आज सुबह मैंने ये की क्वेरी देखी और आज मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैं मिस भी कर रही हूँ। अगर आपको अलग से कुछ चाहिए, स्मॉग, एसिड रेन, ये सारा हम देख चुके हैं एक इसके पहले के चैप्टर में, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, अलग से हमने वाटर पोल्यूशन नहीं किया है, नॉइज पोल्यूशन, देन मेरीन पोल्यूशन, रेडियो एक्टिविटी, थर्मल पोल्यूशन, ये इस पर हमारा कोई वीडियो नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आपको बताना होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वी हैव नॉट डन, बट वाटरशेड मैनेजमेंट हमने किया था। आई डोंट नो कि वेस्ट मैनेजमेंट पर आपको सिलेबस में है कि नहीं। भोपाल गैस ट्रेजिडी, इसकी ये वीडियो नहीं बना, पर ये आप सब जानते हैं इसके बारे में। आप चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, यू नो 19th सेंचुरी का बहुत बड़ा डिजास्टर है, डिफाइन पोल्यूशन, नेचुरल एंड मैन मेड पोल्यूटेंट्स, एन्यूमरेट विथ एग्जांपल्स मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर पोल्यूशन एंड अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ये हमने देखा हुआ है। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, किस तरह से वाटर इरोशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या ओवर पॉपुलेशन, किस तरह से पानी के पोल्यूशन को, अंडर वाटर भी, ग्राउंड वाटर सरफेस को भी पोल्यूट कर रहा है, ये सब हम वाटर मैनेजमेंट के समय देख चुके हैं। नॉइज पोल्यूशन ऑफ कोर्स डिटेल हमने नहीं देखा है, मेरीन पोल्यूशन यू बट यू मस्ट हैव गॉन, अब तो आपकी एग्जाम अगर 18 नवंबर को है तो अब आपकी तैयारियां हो चुकी होंगी। क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू, एग्रोकेमिकल्स आई डोंट नो आपके सिलेबस में है कि नहीं, बट पोल्यूशन के टाइप्स तो हैं। सॉलिड वेस्ट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, देन पोल्यूशन अगेन, सो दीज आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, सैलिनेशन, बायोमैग्निफिकेशन, दीज थिंग्स आपको देखना होगा क्या क्या आपके सिलेबस में है। डिस्क्राइब फॉलोइंग टर्म्स, ऑयल स्पिल, वीडिसाइड्स, वीड्स की वजह से पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यस दिस इज द CFCs, देन फोटोकेमिकल स्मॉग, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रॉ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग तो हम देखे हुए हैं, इसी ड्रेन हमने देखा है, वेस्ट लैंड रिक्लामेशन हमने देखा है, वेस्ट लैंड के बारे में डिटेल्स नहीं देखा है, अगर आपको चाहिए। वाटर शेड्स वी हैव डन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स वी हैव डन, वॉटर ग्रीन हाउस दैट वी हैव डन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी हैव डन, ओजोन लेयर डिप्लीशन वी हैव सीन, देन सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट, वेस्टलैंड्स, दीज थिंग्स वी हैवन डन। अगर आपके सिलेबस में है तो आप आंसर्स अपने अभी भी समय है तैयार कर लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बहुत डिटेल्स में कर चुके हैं, देन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बहुत डिटेल आपके सिलेबस में मेंशन था नहीं, जितना था वो हमने देखा है जब हम देख रहे थे एनवायरनमेंट के बारे में, बिगिनिंग में हम देख रहे थे तब। देन वाटर एनवायरमेंटल एथिक्स, ये बहुत डिटेल्स में आपके सिलेबस में दिखा नहीं, बट एथिक्स आपको जानना ही चाहिए। लाइस मेजर्स ऑफ टू चेक ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, आई डोंट नो कि इसमें कौन कौन से पार्ट आपके सिलेबस में है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन होल, वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट तो हमने बहुत डिटेल में देखा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वी हैव डन, वाटर अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। पब्लिक अवेयरनेस फिर से वही आ गया, आप पब्लिक एक्ट्स प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स के बारे में, हम एकदम जो एकदम बिगिनिंग में जो सिलेबस है जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर देख रहे थे उसमें हमने एक्ट्स के बारे में देखा है, ओजोन लेयर, वाटर एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, दीज वी हैव डन। नाउ अब इसमें जो है नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी, जो लास्ट के दो स्लाइड्स हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस में शायद नहीं है, और अगर है तो वो हमने टच नहीं किया है, तो इसलिए अभी मैं उसका डिटेल्स यहाँ नहीं दे रही हूँ। आई होप कि आपने अपनी तैयारी कर ली होगी। कोई अगर आपको इन रिलेशंस में, इन टॉपिक्स में कुछ पर्टिकुलर अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, समय बहुत कम है, आप क्वेरी डाल सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अभी जे शेप, एस शेप, ग्रोथ कर्व, ये सारी चीजें तो आई डोंट रिमेम्बर कि आपके सिलेबस में है। सो दिस इज अबाउट, एंड दिस इज इन लास्ट, दिस वन मोर साइट आई हैव गॉट, इसपे तो मतलब 20,000 के करीब क्वेश्चंस हैं।
अगर आपके पास समय है, इंफॉर्मेशन आप और ज्यादा चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो आई होप कि एक दिन के शॉर्ट पीरियड में इंफॉर्मेशन विथ योर रिक्वेस्ट मैंने कोशिश करने की पूरी करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको हेल्प मिलेगा इससे। हाँ भी तो तब भी, नहीं भी तब भी मुझे लिख के चैट बॉक्स में बताएंगे तो आई विल बी, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपका कितना हेल्प कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स हिंदी में क्वेश्चंस तो इतने शॉर्ट टाइम में आप नहीं दे सकती। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल का आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।